अशोक जी ने हिंदी में बोलने का कहा, गुरुदास जी कामत थे तो हम कहते थे क्या हम हिंदी में बोले कि नहीं, नहीं आप गुजराती में बोले मैं समझ लूंगा, आप भी समझ लेंगे। प्रोसेस है पार्टी का। हमको समझना कठिन है। कांग्रेसनी कार्यकारिणी दरमियान प्रभारी अशोक गहलोतने संबोधी बोलावेला बापूना शब्दों गहलोत जी ने समझाई गया हशे। छेल्ला 15 दिवसथी शंकरसिंह कांग्रेसथी नाराज छे ते चर्चाए जोर पकड्यु हतुं। कार्यकारिणीमां कड़क शब्दोमां भाषण कर्या बाद कांग्रेस आवे छे पण बापू जाय छे ते वात जोरशोरथी वहेती थई हती। अधूरामां पूर्व बापु विदेश प्रवासे जता कांग्रेसी नेताओनो जीव पण अद्धड़ थई गया हता। जो कि विदेशथी आव्या बाद बापुए तेमणी नाराजगीना प्रकरण पर हाल तो पड़दो पाड़ी दीधो छे। देखिए बीजेपी को राइट है सबको ले जाए, कांग्रेस को राइट है बीजेपी से ले आए, ये तो रोज की राजनीति हर एक पार्टी की है, कोई नई बात नहीं है। अब आप दूसरा मेरे पास बीजेपी ने कोई लीडर ने कभी कॉन्टेक्ट नहीं किया, न मैंने किसी का कॉन्टेक्ट किया। आप बताइए हू टोल्ड यू। भाजप ने सारी रीते जाणता शंकर सिंह भाजप सामे चूंटणी जंग लड़वा माटे उम्मीदवारों की पसंदगी करवा उपरांत रणनीति घड़वा अंगे झड़पी निर्णय लेवाय तेवू इच्छता हता। जो कि 125 वर्ष जूनी कांग्रेस में तेमनी वातनो योग्य प्रतिसाद मळतो न हतो। राजकारणना अटंग खिलाड़ी शंकर सिंह राहुल सहित कांग्रेस नेताओं ने अनफॉलो कर देवा जीवी एक पछी एक राजकीय सोक्टीओ मारी कांग्रेसी हाईकमांडे बापूनी वात विचारो पर मजबूर कर दीधी। प्रभारी गहलोत पण झड़पथी कमिटीनी रचना करवानी वात करी बापूनी वातनो पड़घो पाड्यो हतो। 22 साल से सरकार नहीं है प्रदेश के अंदर और गुजरात के लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो, पब्लिक इंटरेस्ट में बदलाव हो, जनहित में बदलाव हो। उसी रूप में मैं समझता हूँ माहौल बनेगा और उसी रूप में कैंपेन आगे बढ़ेगा और हम अवश्य कामयाब होंगे, ये मेरा मानना है। कैसे मतलब कोई प्लान है कि 2017 तमाम कमेटी है जो बननी है जल्दी फैसले होंगे, उसके बाद में टिकटों का जो संरक्षण है वो भी जल्दी होगा और स्मूथ भी सब काम होगा। कांग्रेस से नाराज शंकर सिंह पोते कांग्रेस में रहेशे तेवी बात गहलोत साथे की मुलाकात बाद उच्चारताज बापूनी बातों महदअंशे मानी लेवाई होवानुं पण मनाई रह्युं छे। हवे शंकर सिंह कांग्रेस साथे छे कि कांग्रेस शंकर सिंह साथे छे ते पक्षना आगामी निर्णयों परथी खबर पड़शे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़।